युद्ध की ललकार सुनते ही अभिमन्यु रणक्षेत्र में कूद पड़े, परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। जिस चक्रव्यूह का निर्माण हुआ था उससे बाहर निकलने का मार्ग अभिमन्यु को ज्ञात नहीं था। इसी कारण वे एक प्रबल योद्धा की तरह लड़ते हुए युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। कभी कभी हम किसी क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं बिना उसे अच्छी तरह से समझे, और फिर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इससे हमें सफलता की बजाय निराशा हाथ लगती है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु का गोचर बदल जाएगा, जिससे आपके जीवन में एक नया चक्रव्यूह बन सकता है। राहु आपके दशम भाव और केतु चतुर्थ भाव में होंगे, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। वास्तव में राहु और केतु दोनों ग्राहक एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, इसलिए ये हमेशा एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। जहां राहु होता है उसके सामने केतु का स्थान होता है। इन दोनों ग्रहों का प्रभाव आपके करियर पर पड़ रहा है और आपके सुख शांति की जगह केतु का प्रभाव दिख रहा है। ऐसे में आपको इन दोनों ग्रहों के प्रभाव का सकारात्मक उपयोग करना चाहिए ताकि आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकें। राहु भय और भ्रम का प्रतीक है, लेकिन इसके प्रभाव का उपयोग करके आप अपनी कमियों को दूर कर सकते हैं और केतु के प्रभाव से अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यदि आपने राहु देवता के चक्रव्यूह को समझने में असमर्थता दिखाई है तो आपके करियर पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। करियर में अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन यदि हम राहु के प्रभाव को समझ लें और इससे लाभ उठाना सीख लें तो यह हमें करियर में ऊंची सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ध्यान रखिए, राहु आपके दशम भाव में स्थित है, जो आपके कर्म क्षेत्र और कर्तव्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आपको अपने जुनून और पैशन पर फोकस करना चाहिए, न कि पैसे पर। यदि आप राहु का सकारात्मक उपयोग नहीं कर पाते हैं तो यह आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकता है। हमें किसी भी हालत में अपने करियर का विकास करना चाहिए। हम जो भी काम करते हैं, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो या कोई पेशेवर काम, महत्वपूर्ण यह है कि मैं अपने करियर को कैसे बेहतर बना सकता हूं। मेरा लक्ष्य होना चाहिए कि मैं अपने क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करूं। जब आप में यह जुनून आ जाएगा कि मैं अपने करियर के लिए बेहतरीन काम कर सकता हूं, तो आपको बहुत कुछ हासिल होगा। राहु और केतु नाम ख्याति दिलाने वाले मुख्य ग्रह हैं। एक पेन को उठाकर देखें, नीचे का हिस्सा जहां हम लिखते हैं वह केतु का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा जहां नाम लिखा जाता है वह राहु का प्रतीक है। राहु से हमें नाम ख्याति मिलती है, इसलिए अपने नाम और प्रतिष्ठा को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए, जिसमें राहु की मदद मिलेगी। हमें उस चक्रव्यूह को तोड़ने का तरीका ढूंढना होगा। हमारा ध्यान अपने कार्यक्षेत्र पर केंद्रित होना चाहिए। राहुल ने कहा है कि हमें अपने कर्म क्षेत्र से जुड़े रहना चाहिए। मैं यह सोचता हूं कि क्या मेरे कर्मों में कमी रह गई है? मुझे अभी तक उस उपलब्धि का मौका क्यों नहीं मिला जिसका मैं हकदार हूं? यदि आपने इस बात को समझ लिया है तो राहु का सकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ेगा। जो भी गुण एक अच्छे पद के लिए आवश्यक हैं, वे आप में हैं, क्योंकि आप मिथुन लग्न के हैं। इस समय आपको अपने कार्यक्षेत्र पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। यदि मुझमें कोई कमी है तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपको राहु को प्रभावित करना चाहिए ताकि आपको लाभ मिल सके। राहु में एक ऐसी भूख है जो आपके भीतर होनी चाहिए। यह भूख कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर बनाऊं, उच्च पद कैसे प्राप्त करूं, आपको भी इस तरह की भूख होनी चाहिए। राहुल ने आपको अभी 18 महीने तक अपने साथ जोड़े रखा है। मई 2025 तक वह आपके साथ रहेंगे, इसलिए आपको यह समझना होगा। हमारे सामने केतु देवता हैं, जो चतुर्थ भाव पर स्थित हैं। जहां राहु कराता है वहीं केतु निर्मित मार्ग पर हमें अग्रसर करता है। मतलब राहु चाहते हैं कि आप अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन केतु कहते हैं कि निर्मित होना किस मार्ग से होगा? चतुर्थ भाव से, जिसे सुख का स्थान माना जाता है। हमारा चतुर्थ भाव हमारा कंफर्ट जोन है, इसलिए हमें वहां नहीं रुकना चाहिए। यदि हम संघर्ष करते हैं तो अभी भी सफल हो सकते हैं, इसे समझना होगा। केतु के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक तरीका हो सकता है।
हालांकि हमें लगता है कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, पर केतु चाहते हैं कि हम अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। यह केतु का कर्तव्य है जो वे हमसे करवाना चाहते हैं। हमें ग्रहों के संकेतों को समझना है। प्रत्येक ग्रह हमसे कुछ न कुछ करवाना चाहता है, कुछ न कुछ कहना चाहता है। हम ही हैं जो उन्हें समझ नहीं पाते। इसके परिणाम स्वरूप आगे चलकर हमें निराशा हाथ लगती है। जब केतु चतुर्थ भाव में होता है तो शांति के लिए वह हमें क्या कहता है? शांति से भरपूर हो, कोई भौतिक संसाधन चाहिए नहीं। जहां राहु है वहीं ध्यान केंद्रित करें और जहां केतु है वहां निर्माण करें। चतुर्थ भाव में केतु कहते हैं, अपनी इच्छाओं को छोड़ दो, तब मैं तुम्हें अच्छा फल दूंगा। ये केतु के संदेश हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। केतु एक सन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। आप जानते हैं कि एक सन्यासी को भौतिक सुख सुविधाओं से विशेष लगाव नहीं होता। एक सन्यासी के लिए दो वक्त की रोटी काफी होती है। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। जिस दिन हम अपने जीवन को इस दृष्टि से देखना सीख जाएंगे, हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। इससे केतु हमारी बात मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनके प्रभाव को समझा और उसके अनुसार काम किया। चतुर्थ भाव हमें सुखी जीवन दिखाता है, लेकिन अब हमें सुखी जीवन नहीं चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों को निभाना है। जिन जिम्मेदारियों को हमने स्वीकार किया है, चाहे वे पारिवारिक हों या आर्थिक, उनके प्रति यदि हम ईमानदार रहे तो समझो कि हमने राहु को प्रभावित किया है। लेकिन यदि हम थोड़ी देर के लिए भी अपने भौतिक सुखों की ओर मुड़ जाएं, तो समस्या हो सकती है। अर्थात केवल अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने से बहुत कुछ हासिल हो सकता है, लेकिन यह भी समझना है कि राहु और केतु के लिए ऐसा क्यों है। क्योंकि केतु हमारा कर्मकारक ग्रह नहीं है। कर्मकारक तो हमारे भाई शनि देवता हैं। शनि देवता की स्थिति आपके भाग्य भाव पर निर्भर करती है। अब अगर भाग्येश्वर भाग्य भाव में स्थित हों, तो भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिलेगा। इसका उदाहरण है कि यदि घर के आगे राहु देव स्थित हैं, तो इसका मतलब है कि कर्म और भाग्य दोनों का सहयोग मिलेगा। अर्थात कर्म के बाद ही भाग्य के द्वारा कर्म की प्राप्ति होती है। इसलिए शनि देवता आपको कर्म देने के लिए बाध्य हैं और राहु देवता आपको अच्छे कर्म देने के लिए यहां मौजूद हैं। अगर हमने अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वाह किया और अपने दायित्वों को समझा, तो राहु देव हमें उच्च पद, प्रतिष्ठा आदि प्रदान करेंगे। इस बात को कभी न भूलें। अब इन देवी देवताओं के प्रभाव को और बेहतर बनाने का एक सरल तरीका समझिए। राहु देव के कारक राहु देवता होते हैं, मां जगदम्बा के कारक केतु होते हैं। क्योंकि श्री गणेश जी के कारक माने गए हैं, इसलिए श्री गौरी गणपति जी का पूजन आपके लिए हमेशा मंगलकारी और सफलतादायक होगा। अपने घर पर गाय के गोबर से बनाई गई गौरी और गणपति की मूर्तियों की पूजा कीजिए। जैसा आपको सहज लगे पूजन की विधि अपनाएं। सुंदर गुलाल, फूल, दीपक जलाकर उनकी पूजा कीजिए। श्रद्धा पूर्वक बैठकर प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, मेरे जीवन में जो भी विपत्तियां हैं उन्हें दूर करो। आप उससे दूर रहें। अपने आप देखेंगे कि राहु केतु के जो चक्रव्यूह हैं उन्हें तोड़ने में सक्षम एकमात्र माता जगदम्बा और श्री गणेश जी की प्रार्थना ही है। जैसा हमने आपको अभी बताया था, उस प्रयोग को अपने जीवन पर लागू कीजिए। उस कार्य के लिए एकजुट हो जाइए। राहु आपको डराएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है। दशम भाव पर आपके राहु बैठे हैं। वे आपके करियर में खराब स्थिति ला सकते हैं, लेकिन हमें हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। याद रखिए, राहु आपके लिए करियर में वृद्धि लाने के लिए ही है। उन्हें सही दिशा में ले जाने का प्रयास कीजिए। गौरी गणपति का निर्माण अगर गोबर से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सुपारी और मौली धागे का उपयोग कर सकते हैं। सुपारी को मौली धागे में लपेटकर गौरी गणपति बनाएं, इसकी पूजा करें और प्रत्येक पूर्णिमा पर इसका विसर्जन कर दें। फिर प्रत्येक मांगलिक कार्य के लिए नया गौरी गणपति बनाएं। गौरी गणपति की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वे मां जगदम्बा और मां जगदीश्वरी के प्रतीक हैं। गणेश जी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन के संकटों को दूर करें और आपको सफलता प्रदान करें। राहु केतु के प्रभाव से बचने के लिए गौरी गणपति की पूजा अवश्य करें।
इससे आपको अपार सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या दिखवाना चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं या रत्न खरीदना चाहते हैं या उसके बारे में पूछना चाहते हैं, तो मुझसे चैनल पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। आप सभी के जीवन की समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएं, ऐसी मैं श्री सीताराम जी से प्रार्थना करता हूँ। आशा करता हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री सीताराम जी।